बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों ये कुछ मैंने डक्स रखी हैं घर ऊपर, ये देखिए आप। अब इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, ये मिड दिसंबर में ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है और ये तकरीबन मई में जाके कुछ कुड़क होती हैं, और जो इसमें काकी कैम्बल है वो नहीं होती कुड़क। ये मारला डक्स है, ये इसका मेल देखें, और ये दो फीमेल है। इसमें ये मारला डक्स है, ये वाले कुछ इसमें देसी हैं, ये मेल है, ये मारला का मालरा डक का ये मेल है, ये फीमेल है, ये वाली। एक और इसमें, एक इसमें खाकी कैम्बल है, ये खाकी कैम्बल का मेल है, और देसी डक्स है। ये वाली इसमें ये जो मेल खड़ा है, और ये दो फीमेल, ये मालरा डक्स है। ये बहुत खूबसूरत डक्स होती हैं। अब ये सर्दी तकरीबन अभी स्टार्ट हो रही है पंजाब में, दिसंबर की आप 5-6 तारीख हो गई है, तो ये चलेंगी। अब ये स्टार्ट मिड दिसंबर में अगले स्टार्ट कर देंगी। अभी कुछ डक्स ने एग्स ले करने शुरू कर दिए, तो ये चलेंगे तकरीबन मई में जाके कुड़क होती हैं, ये अप्रैल मई में ना। ये देखें, इसमें मैंने छोटा सा पूल भी ना दिया हुआ, छत के ऊपर ये रखी हुई है डॉक्टर। तो खुराक में दोस्तों इसे हम एक टाइम दाना डाल देते हैं, दाना या फिर, और एक टाइम इस तरह ना रोटियां भी धो देते हैं और ये डाल देते हैं। तो साथ आपने ना ये ज़ीरो की चिप्स, ये देखें ये ज़ीरो की चिप्स है, ये देखें ज़ीरो की चिप्स है, ये साथ में आपने निमाल लाजमी डाला करनी है। इससे इनका निज़ाम निज़ाम ठीक रहता है और ये एग भी अच्छे ले करते हैं। तो दोस्तों आपने कमेंट करके बताना कि आपको ये डक्स कैसी लगी। अब इनमें ये लेग, ये अभी यंग हैं, ये कुछ एग ले कर रही हैं और कुछ अब स्टार्ट कर देंगी। ये छत के ऊपर ही मैंने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ,
ये नलका लगा हुआ है, ये थोड़ी जगह है, इधर ये पोल सा बनाया है जिसमें ये नहा लेते हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है, और बताना कि आपको डक्स कैसे लगे।